यूपी के कई शहरों में हिंसा करने वालों पर एक्शन जारी है। आज भी उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई होगी। दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई होगी। कल सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की बैठक के बाद अफसरों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज पुलिस उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा कर देगी। मुख्यमंत्री ने हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। इन दंगाइयों पर मिसाल पेश करने वाली कार्रवाई की बात कही है। जिंदगी में कोई दोबारा माहौल खराब करने की, बिगाड़ने की सोच न सके, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है, फ्री हैंड दिया है, अपनी कॉल लीजिए। दंगाइयों से निपटने के लिए जो जरूरी है वो कीजिए। तो देखिए, पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन होगा। कल सहारनपुर कानपुर में बुलडोजर चला था और प्रयागराज में दंगाइयों की अवैध संपत्ति भी जब्त होगी, यह खबर आ गई है। पत्थरबाजों के पोस्टर भी जारी करेगी पुलिस, यह भी खबर है। सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, तो सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है और चेहरों की पहचान की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्त होगी। तो ये सब कुछ होगा जुम्मे की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की थी। अब तक 237 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मास्टरमाइंड जावेद कल गिरफ्तार हो गया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या, इसके बाद एक्शन की खबर आ रही है। तो कहीं बुलडोजर चलेगा तो पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, ये तमाम चीजें होती रहेंगी। और इसी से जुड़ी एक खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर नोटिस, बड़ी खबर है ये। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा कर दिया है मास्टरमाइंड जावेद के घर पर। अब बुलडोजर चलने की खबर आ सकती है, क्योंकि सुबह 11 बजे अवैध मकान को खाली कराने का वक्त दिया गया है। शहर के करेली इलाके के जेजे आशियाना कॉलोनी में जावेद पंप का आलिशान मकान है। नोटिस में कहा गया है 2 मंजिला मकान अवैध तरीके से बनाया गया है, कोई नक्शा विकास प्राधिकरण से पास ही नहीं कराया गया। ऐसे में आज दोपहर को मकान को ध्वस्त किया जा सकता है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। जावेद पंप, ये वो नाम है जो मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जा रहा है, और अब आलिशान मकान है करेली थाने में लगता है, जहां पर FIR भी दर्ज है। आपको बताएं, वहीं इस 2 मंजिला आलिशान मकान पे नोटिस भेजा गया है 11 बजे तक। प्राधिकरण की ओर से कहना यह है कि नक्शा बिना पास कराए इस कोठी को तैयार किया गया है, अब इस पर बुलडोजर चल सकता है, यह बड़ी खबर है। तो देखिए किस तरीके से दंगा में लिप्त या दंगा की साजिश रचने वाले बुनकरों को अब पकड़ा जाएगा, उनकी संपत्ति खंगाली जाएगी, क्या वैध है क्या अवैध है ये सब कुछ पता लगाया जाएगा। तो चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे दो सहयोगी इस वक्त दो पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज की क्या स्थिति है, वहां किस तरीके की कार्रवाई, वहां से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन है, शैलेश है लखनऊ से, जो कि बताएंगे कि पूरे प्रदेश के लिए रणनीति किस तरीके से तैयार की जा रही है दंगाइयों से निपटने की। प्रयागराज का पहले रुख करेंगे, क्योंकि तस्वीरें वहीं से आई हैं और जानकारी आ रही है कि जावेद पंप के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। 11 बजे क्या एक्शन लिया जा सकता है, ये मोइन डिटेल में हमें बताएंगे, समझाएंगे। जी मोइन, तो देखिए हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मौजूद हैं मौके पर। जिस तरीके से करेली थाने में FIR दर्ज है और उसी थाने से लगता जावेद पंप, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, इसका 2 मंजिला आलिशान मकान है, उस पर नोटिस दिया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए ये कोठी तैयार की गई है, इसका जवाब दिया जाएगा, नहीं तो 11 बजे तक घर खाली कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का मतलब पीला पंजा बुलडोजर है। शैलेश का रुख करते हैं, क्योंकि ऐसे जावेद पंप पर शिकंजा कसने की तैयारी शैलेश तो हो रही है प्रयागराज में, लेकिन पूरे प्रदेश का भी खाका बन करके तैयार है, जहां जहां एक्शन लिया जाना है, क्या इनपुट है? बिल्कुल, देखिए ऐसे प्रयागराज नहीं बल्कि सहारनपुर, हाथरस, अंबेडकर नगर समेत वो तमाम जिले जहां जहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी इस बार शुक्रवार के दिन, उन सभी जगह पर ऐसी ही कार्रवाई चल रही है। और कल जब मुख्यमंत्री की देखिए बैठक हुई तो उसमें भी सभी अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर जैसी स्थिति है मौके पर तत्काल वैसा निर्णय लीजिए, जिस तरह की कार्रवाई की जरूरत है उस तरह की कार्रवाई कीजिए, जहां जरूरत लगे धारा 144 लगाइए। और बुलडोजर चलाने के पीछे का देखिए मकसद जो है वो साफ है, उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद आगे एक मैसेज देना, क्योंकि कल जब बैठक हुई देखिए मुख्यमंत्री की, उसमें ACS ओम डी
डीजीपी सभी अधिकारी देखे रहे, तो उसमें एक बात उठी कि आगे भी ये इनकार नहीं कर सकते कि ऐसी घटना का प्रयास नहीं किया जाएगा, प्रयास हो सकते, लेकिन उन प्रयासों को विफल कैसे करना है इसको लेकर स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है और इसी का एक बड़ा हिस्सा है ये बुलडोजर की कार्रवाई, ये पीला पंजा। देखिए आमतौर पर यह होता है कि जब भी किसी के खिलाफ कोई मामला चलता है तो एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है और उस दौरान हौसले और बुलंद हो जाते हैं कि ठीक है केस चलेगा, चलता रहेगा, बाद में देखा जाएगा, कोर्ट में वकील ले आएंगे, लड़ेंगे। लेकिन जो ये बुलडोजर की कार्रवाई है इससे एक मैसेज गया कि केस तो बाद में होता रहेगा लेकिन FIR दर्ज होगी, अवैध संपत्ति अगर चिन्हित हो गई तो उस पर बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से इसका एक डर भी है अपराधियों माफियाओं में और ऐसे अराजक तत्वों में, और इस डर को और बढ़ाने की जरूरत भी है। और इसी के तहत ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस तरह से लोग चिन्हित होते हैं उन सबके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाए ताकि कोई और इस तरह की हिम्मत ना कर पाए। दूसरी चीज़ उन लोगों को, जैसा देखिए आपने भी कहा कि हर मोर्चे पर जो घिरने की कोशिश है, तो उसी के तहत ये भी तैयारी की गई है, ये भी निर्देश दिए गए कि जो लोग इन किशोरों को बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं और पत्थरबाजी के लिए प्रेरित कर रहे हैं उनको चिन्हित कीजिए, क्योंकि जो किशोर अवस्था होती है इसमें किसी के भी ब्रेन वॉश करना और उसके बाद उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना, अपने हिसाब से उसको किस राह पर ले जाना, ये बहुत आसान हो जाता है। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करने के लिए कहा गया, क्योंकि अगर एक आदमी ऐसा चिन्हित होगा तो सोचिए ना जाने कितने किशोरों को बचाया जा सकता है गलत राह पर जाने से। तो इस मोर्चे पर भी काम किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो चिन्हित हो रहे हैं। इसके साथ अगर आप देखिए तो जो लोकल इन्वेस्टिगेशन की यूनिट्स हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि आगे प्रयास होंगे लेकिन उन प्रयासों को पहले ही विफल कैसे कर दिया जाए, क्योंकि लगातार दो हफ्ते से देखा जा रहा है 3 जून 10 जून पहले कानपुर, फिर लगातार प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, उन जिलों में 10 जून को जो घटनाएं हुई हैं, हिंसक घटनाएं हुई हैं, तो इसको रोकने के लिए निश्चित रूप से हर मोर्चे पर काम हो रहा है और मुख्यमंत्री ने फ्री हैंड दे दिया है अधिकारियों को इसे लेकर कि कोई भी इस तरह का अराजक तत्व बचना नहीं चाहिए। देखिए ये तो उत्पाद है लेकिन इन्हें बनाने वाली फैक्ट्री मास्टर माइंड है, उन तक पहुँचना बेहद जरूरी है। मुरादाबाद से हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इंटेलिजेंस के पास ये जानकारी आ रही है, मास्टरमाइंड कौन है, आखिर कोई तो होगा जिसने ये संदेश दिया होगा, सर्कुलेट किया होगा कि पत्थर के साथ जुम्मे की नमाज के लिए आइएगा और इसके बाद हम एक दिशा में आगे बढ़ेंगे, एक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। श्वेता मैं आपको बता दूं जो कल 25 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है, उनसे मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के एक विधायक पुलिस लाइन पहुंचे थे, पुलिस ने उनको बाहर कर दिया। और दूसरी बात जो मुरादाबाद के इमाम शहर हैं और जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर एस्टेशन, इन लोगों ने कल DM और SSP से मुलाकात की और ये कहा कि क्योंकि मुरादाबाद में एक भी पत्थर नहीं चला है, कोई हिंसा नहीं हुई है, सिर्फ भीड़ ने नारेबाजी की थी, तो जितना अपराध किया है उस तरह की धाराएं लगें और किसी बेगुनाह को जो है जेल ना भेजा जाए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि 10 लोगों को नामजद किया गया था और अभी तक 25 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और जो बाकी के लगभग 80 लोग जो अज्ञात थे उनकी भी पहचान की जा रही है कि जिन्होंने हंगामा किया, नारेबाजी की, उनको ट्रेस किया जाएगा, पहचान किया जाएगा CCTV फुटेज और जो बाकी फुटेज है उसके आधार पर जो वीडियो फुटेज में मिलेंगे उन्हीं को जेल भेजा जाएगा, उन्हीं पर कार्रवाई होगी। क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों में इस बात का भी आक्रोश है कि जब हमने पूरे ज़िला प्रशासन को सपोर्ट किया, एक दिन पहले हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया जो इमाम शहर हैं और सांसद हैं और बाकी लोग थे, तो उनका कहना है कि क्योंकि कुछ नौजवान जोश में आ गए, उन्होंने नारेबाजी ज़रूर की है लेकिन इस तरह का कोई यहाँ पर हिंसा या घटना नहीं हुई है कि बहुत ज़्यादा उन पर गंभीर धाराएं लगाई तो जाएं। इसलिए जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर एस्टेशन, हिंसा की संभावना को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है, हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन अगर भीड़ निकली है तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, किसके इशारे पर निकले हैं और उसके बाद अगर हिंसा हो जाती तो क्या इसी तरीके से उसकी जवाबदेही उनकी बनती, इस तरीके से आगे कहते कि हां मैं गुनाहगार हूं, ये तमाम चीजें हैं प्रशासन के सामने सवाल के तौर पर। लेकिन बड़ा सवाल प्रयागराज से उठ रहा है, जावेद पंप के लिए इस वक्त नोटिस भेजा गया, 11 बजे क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, मोइन के पास जानकारी है, उन्हीं का रुख करेंगे। मोइन क्या जानकारी मिल रही है? देखिए प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें पुलिस और जो सरकारी अमला है वो लगातार एक्शन में हुआ है, आ रहा है 68 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जो पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप, तो उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके साथ साथ उसकी पत्नी और उसकी बेटी, इन दोनों को कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ जो जावेद पंप तो है उसके घर के ध्वस्तीकरण का नोटिस जो है वो देर रात चस्पा कर दिया गया है।
देखिए वो बेटी नहीं कि हिरासत में ली गई है, दूसरी बेटी जिसका नाम सुमैया है वो हिरासत में ली गई है। आप जिस बेटी का जिक्र कर रही हैं उसका नाम दूसरा है, तो उसके घर के ध्वस्तीकरण का नोटिस देर रात चस्पा कर दिया गया है और अल्टीमेटम दिया गया है कि आज सुबह 11 बजे तक घर को खाली कर दिया जाए क्योंकि 11 बजे के बाद किसी विवक्त ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। और आपको बता दें कि अकेले जावेद पंप नहीं बल्कि इस पूरे मामले में जो और भी आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, यह माना जा रहा है कि ये इस पूरी हिंसा में शामिल थे, साजिश में शामिल थे। ये पूरा इलाका है अटाले से लेकर के नूरुल्ला रोड तक जाने वाला ये रास्ता है और पीछे की तरफ तमाम मकान जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं उनको चिन्हित किया गया है। नगर निगम ने चिन्हित किया है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने चिन्हित किया है, इसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम ने चिन्हित किया है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ भी आज सरकारी बुलडोजर चल सकता है, गरज सकता है और दर्जनों मकान जो है, दर्जनों जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसकी जद में आएंगे, बुलडोजर की जद में। तो जो मास्टरमाइंड है उस पर शिकंजा कसा जाएगा। तो देखिए मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसने की तैयारी प्रयागराज से है। शुक्रिया मोइन, शुक्रिया उबैदुर, शुक्रिया शैलेश। आप लोगों के जरिए ये पता लगा कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी चल रही है प्रशासन की ओर से। देखिए अब प्रयागराज समेत कई जगहों पर जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से तस्वीरें आईं उस पर एक्शन लगातार चल रहा है, इसी की ग्राउंड रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन गोरखपुर पुलिस अलर्ट बताई जा रही है, पुलिस ने पीस कमेटी के साथ बैठक करके शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही संवेदनशील इलाकों पर गश्त भी बढ़ा दी गई है। ड्रोन के जरिए भी ऐसे इलाकों में छानबीन चल रही है, नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई भी ईंट पत्थर इकट्ठा तो नहीं है, किसी ने बेवजह ईंट पत्थर अपनी छत पर इकट्ठा तो नहीं करके रखा। इस एंगल से भी अब ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से हमने कानपुर में देखा छतों पर पहले से ही ईंट पत्थर इकट्ठे रखे गए थे, मौके पर पहुंच के उन्हें बरसाने का काम शुरू किया गया था। तो ऐसे में एहतियातन इस बात को भी चेक किया जा रहा है, क्रॉस चेक किया जा रहा है। जनपद में सभी घरों में संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित आबादी क्षेत्रों में रूफटॉप को चेक किया गया है, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना घटित हो जहां पे लोग अपने पत्थर ईंटा इकट्ठा करके रखे हों बाद में दंगे के रूप में उसका प्रयोग कर सकें, इसी के मद्देनजर ड्रोन को उड़ाया गया है। तो 3 जून को ही हिंसा के मामले में कानपुर के बेकनगंज पुलिस ने हिंसा के एक और आरोपी निजाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। निजाम कुरैशी पर सोशल मीडिया के जरिए दंगा भड़काने, हिंसा फैलाने की कोशिश का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी निजाम कुरैशी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी एक्शन इस नाम की कमेटी का एक संस्था है, संस्था का जिलाध्यक्ष कानपुर में। यह आरोपी समाजवादी पार्टी का कानपुर नगर सचिव भी था लेकिन दंगों में भूमिका सामने आने के बाद सपा आरोपी से किनारा कर चुकी है, निष्कासित कर चुकी है। इसी बीच अखिलेश यादव भी लगातार यूपी सरकार पर तंज कस रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट करके सरकार पर फिर हमला बोला और लिखा है ट्वीट करके, उठने चाहिए ऐसी हवालात पर सवाल लाख, नहीं तो इंसाफ खो देगा अपना इकबाल। यूपी हिरासत में मौत के मामलों में नंबर 1, यूपी मानवाधिकार हनन में अव्वल, दलित उत्पीड़न में यूपी सबसे आगे। दरअसल ये तंज अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सहारनपुर के एक वीडियो को लेकर के किया है। और बस्ती दौरे पर पहुंचे भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा है अखिलेश सत्ता को अगर रोजगार मानते हैं तो ये बात सही है, बीजेपी ने उन्हें बेरोजगार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार आशीर्वाद देकर के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया कि उसका आशीर्वाद किसके साथ है। अब अखिलेश यादव जी 5 साल, जैसे 5 साल पिछली बार विलाप कर रहे थे वैसे आने वाले समय में फिर विलाप करेंगे। हम तो सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं, अगर अखिलेश यादव जी सत्ता को रोजगार मानते हैं तो बेरोजगार अपने आप को मान लें। लखनऊ मंडल के प्रभारी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीती रात सीतापुर जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने महमूदाबाद महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया। बाढ़ और कटान रोकने के लिए बनाए जा रहे स्टड निर्माण को भी वो देखते नजर आए। एक विश्वास पैदा किया है मोदी जी और योगी जी की सरकार ने जनता के प्रति कि इन योजनाओं के माध्यम से, इन हमारी जो संस्थाएं सरकारी संस्थाएं चल रही हैं उनके माध्यम से लोक कल्याण के कार्यक्रम जो गए हैं उससे
पूरे समुदाय को भरोसा हुआ है उसको और अच्छा बेहतर किया जा सके, यही हम लोगों के आने का उद्देश्य रहा। यूपी में लोकसभा उपचुनाव का सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव की तारीख नजदीक आते आते चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन रामपुर के चुनाव पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि आजम खां के जेल से छूटने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अपने करीबी को जिताने के लिए खुद आजम भी चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं, तो 3 साल के बाद आज वो बड़ी रैली करने जा रहे हैं। रामपुर के रण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब इंतजार है तो 23 जून का। रामपुर की जनता अपना नया सांसद चुनेगी, जिसके लिए धुआंधार प्रचार शुरू हो चुका है। रामपुर के राजा कहे जाने वाले आजम खां भी प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आजम खां लोकसभा चुनाव के करीब 3 साल बाद रामपुर के प्रसिद्ध किला मैदान में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले उन्होंने अपने सियासी रणनीतिकार और रामपुर के सपा उम्मीदवार मोहम्मद आसिम राजा के लिए अखिलेश का नाम लेते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में वोट मांगे। हमारा नाम तो लोगों ने इतना दागदार कर दिया है कि अपने दामों पर अफसोस हो रहा है। जिसका जो जी चाहता है यहाँ पर, जो जी चाहता है यहाँ पर इंसान हो जाता है। बकरी चोर हम, मुर्गी चोर हम, भैंस चोर है, चोर नहीं है, डकैत। हम पर चोरी की दफात नहीं है, हम पर डकैती की दफात। हमने शराब की दुकान लूटी है, हमने और हमारी बीवी और बेटे ने। हमारे दिल में तो इतने जख्म है दोस्तों के जख्म का सिवा देते हैं उसको जोड़ने की भी शायद कोई जगह बाकी नहीं रही। रामपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। रामपुर के सियासी रण में एक तरफ आजम के करीबी मोहम्मद आसिम राजा, तो दूसरी तरफ उनके कभी खास रहे भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी हैं। दोनों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। रामपुर का चुनाव इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि आजम के कंधों पर रामपुर की जंग जिताने की जिम्मेदारी। 3 साल बाद आजम खां पहली बार चुनावी रैली कर रहे हैं, क्योंकि आजम खान ने विधानसभा का चुनाव जेल से ही लड़ा था। वहीं रामपुर लोकसभा का कांग्रेस और बसपा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में आजम खां सपा उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं, और वहीं भाजपा भी हमलावर है। जब पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव कमलों से फिर साहब लड़ रहे थे, तब मैंने नारा दिया था, उनके घर का नाम है टीपू, टीपू को सुल्तान बना, और मैं सुल्तान बनाया। मैं कहता हूँ आज से को राजा बनाया। रामपुर में 23 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि जीत किसकी होगी इस रामपुर के जंग में, नतीजे 26 जून को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो वही आजमगढ़ में भी सियासी पारा चढ़ चुका है। सपा के गढ़ में बीजेपी लगातार जीत के लिए दम भर रही है, और आज बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ के समर्थन में 2 मंत्री जनसंपर्क करते नजर आएंगे। आजमगढ़ उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए मंत्री दयाशंकर सिंह और गिरीश यादव निरहुआ के लिए घर घर जाकर वोट मांगेंगे। तो वहीं सपा की तरफ से खबर है कि जल्द ही पार्टी के दिग्गज आजमगढ़ के चुनावी मैदान में प्रचार करते नजर आने वाले हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से पार्टियां दम लगाती दिखाई दे रही हैं। जहां समाजवादी पार्टी के लिए अपने गढ़ पर, अपने किले पर कोई सेंधबारी ना कर पाए और ये किला अपने नाम ही रहे, इसके लिए मेहनत करनी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि अब उपचुनाव में ये मौका ना गवाया जाए। निरहुआ चुनावी मैदान में होंगे और उनके लिए प्रचार करेंगे 2 मंत्री। बड़ी खबर मिल रही है, आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 3 बजे मवाना के राफन गांव पहुंचने की खबर आ रही है डिप्टी सीएम की, जहां सीएम अमृत सरोवर का शिलान्यास करेंगे। हिंदी सम्राट दिवस में भी शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मेरठ दौरे की खबर आ रही है डिप्टी सीएम की।
उत्तर प्रदेश में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की रफ्तार तेज होगी, यह खबर आ रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन, एसीएस अवस्थापना की अध्यक्षता में बना नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, यह भी खबर आ रही है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ की अध्यक्षता में तकनीकी सहयोग इकाई का भी गठन होगा, यह खबर है। देखिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है और जिसमें प्लानिंग नेटवर्किंग पर काम किया जाना है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ की अध्यक्षता में तकनीकी सहयोग इकाई का गठन हुआ है। टेक्निकली कैसे इस पूरे मिशन को स्पीड दी जाए, गति दी जाए, इस पर चर्चा हुई। इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, जो कि तकनीक और तकनीकी युतियों से युक्त होगा और सपोर्ट करेगा इस पूरे प्लान को, जहां पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की रफ्तार तेज करने की कवायद। गाजियाबाद के कवीनगर इलाके में एक फैक्ट्री में आग की खबर, देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपने जद में लिया। यह फैक्ट्री कवीनगर इलाके की बताई जा रही है और साबुन बनाने का काम किया जाता है इस फैक्ट्री में, और इस आग ने फिर पास में दूसरी फैक्ट्री को भी किस तरीके से जद में लिया। देखता है तो आप धमाके की तरह, ये पीछे करो, पीछे, 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 पीछे। आप शोर सुन सकते हैं, काला धुआं, ये गुबार इस फैक्ट्री से उठता हुआ दिखाई दे रहा है और इसने बगल की फैक्ट्री को भी जद में ले लिया। हालांकि आप दूसरी तरफ देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरीके से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विकराल आग की तस्वीरें हैं ये गाजियाबाद के कवीनगर से। आगरा के एक जवान श्रीनगर ड्यूटी के दौरान शहीद होने की इनकी खबर आई। बताया ये जा रहा है कि जवान भद्रौली का है और ड्यूटी पर तैनात था, इस दौरान बिजली गिरने से जवान के शहीद होने की खबर है। सूचना के बाद से परिवार में मातम का माहौल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।